Today we will discuss about reproduction in bacteria. As you all know that bacteria are prokaryotic organism. Bacteria कैसे organism है? Prokaryotic organisms है. तो अगर हम bacteria में reproduction देखें तो bacteria में asexual method of reproduction भी है और सेक्सुअल, लेकिन यहाँ पर हम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं, उसे नाम देते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन. क्या नाम दे देते हैं? जीन रिकॉम्बिनेशन मेथड का नाम देते होते हैं. सबसे पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसका सबसे पहला टाइप है बाइनरी फीजन. कौन सा टाइप है? बाइनरी फीजन, के एक से दो हो जाना, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फीजन. अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ. मैंने आपको एक मीजोसोम बताया था जो कि दो प्रकार के थे, लेटरल मीजोसोम और सेप्टल मीजोसोम. जो लेटरल मीजोसोम्स हैं वो किसके साथ अटैच थे? न्यूक्लियर बॉडी के साथ, और रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प करते थे. जबकि जो सेप्टल है वो न्यूक्लियर बॉडी के साथ अटैच नहीं होते हैं और रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प नहीं करते होते हैं. तो ये क्या कहता है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फीजन. कौन सा पढ़ेंगे? बाइनरी फीजन. ये जो मेथड है ये कब परफॉर्म किया जाता है? फेवरेबल कंडीशन में, जब बैक्टीरिया को प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है, प्रॉपर स्पेस मिल रहा है, प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है. वो सभी कंडीशन कौन सी कही जाती हैं? फेवरेबल कंडीशन कही जाती हैं, जहां पर एक मदर सेल बैक्टीरियल कितने में डिवाइड हो जाती है? टू डॉटर सेल के अंदर. कितने में डिवाइड हो जाती है? टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है. इस बाइनरी फीजन के टोटल कितने स्टेप्स हैं? फाइव स्टेप्स हैं. कितने स्टेप्स हैं? फाइव, जिसमें सबसे पहला स्टेप्स है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. यहाँ जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और उस ओरिजिन के ऊपर क्या स्टार्ट होता है? एक से दो डीएनए होने का प्रोसेस शुरू होता है. ये क्या कहता है कि जब रेप्लिकेशन हुआ डीएनए का तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? टू न्यूक्लियोइड. यहाँ पर हमने जेनेटिक मटेरियल को क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोइड. तो जब रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर जो डीएनए वो कैसा है? सर्कुलर है, डबल हेलिकल, लेकिन है कैसा? सर्कुलर, जिसके दोनों एंड्स आपस में जॉइंट है. और ये किस तरीके से अटैच है? इस तरीके से एक मीजोसोम्स के साथ अटैच है. तो जब रेप्लिकेशन होगा तो एक जो आपका न्यूक्लियोइड है उससे कितने न्यूक्लियोइड बन जाएंगे? दो न्यूक्लियोइड बन जाता है. ये प्रोसेस कहां से शुरू होता है? उस डीएनए पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है. दूसरे स्टेप्स क्या आ जाएगा? डिवीजन ऑफ मीजोसोम्स. डिवीजन ऑफ मीजोसोम, ठीक है. मीजोसोम्स क्या था? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग थी, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर डेवलप करेगा. वाई शेप्ड स्ट्रक्चर डेवलप करेगा और क्या होगा यहां पर? जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल और यहां पर ये मीजोसोम्स की इनफोल्डिंग, और ये वाई शेप स्ट्रक्चर कर जब हमारे पास में दो न्यूक्लियर हो गए थे तो एक इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक इसके साथ अटैच हो जाएगा. तो मीजोसोम्स भी क्या करेगा? डिवीजन करेगा और एक न्यूक्लियॉइड एक मीजोसोम्स के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा. तीसरा स्टेप्स कौन सा आएगा? मेम्ब्रेन सिंथेसिस. कौन सा स्टेप्स आएगा? मेम्ब्रेन सिंथेसिस, ठीक है. जब हमारे पास दो क्या बन गए? जेनेटिक मटेरियल, जिसमें से एक ये मीजोसोम्स, एक ये, और ये इनके साथ क्या अटैच्ड है? न्यूक्लियोइड अटैच है. तो इन दोनों के बीच यहां पर
क्या फॉर्मेशन होनी शुरू होगी, वॉल फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। और मेम्ब्रेन फॉर्मेशन जब शुरू होगी तो ये मेम्ब्रेन फॉर्मेशन सेंट्रीपिटली फॉर्मेशन होगी, सेंट्रीपिटली। सेंट्रीपिटली का मतलब है ये पेरिफेरी से कहां प्रोसीड करेंगी, सेंटर की तरफ। और फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा, क्लीवेज। एक बैक्टीरियल सेल कितने में डिवाइड हो जाएगी, दो के अंदर डिवाइड हो जाएगी, और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, सेप्टा। एक ये बैक्टीरियल सेल और एक ये, तो एक से कितनी बन गई, दो। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, बाइनरी फॉर्मेशन का नाम देते हैं। दूसरा ये क्या कहता है, बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होगा, एक किसी भी एंड पे बैक्टीरिया के एक आउटग्रोथ डेवलप होगी, और वो आउटग्रोथ जो डेवलप होगी वो क्या करेगी, बडिंग के अंदर हेल्प करेगी। ये क्या कहता है, जब आउटग्रोथ डेवलप हुई तो जो न्यूक्लियोइड बॉडी है, कौन सी बॉडी, न्यूक्लियोइड बॉडी है, वो क्या करेगी, रेप्लिकेट करेगी। और रेप्लिकेट कर एक न्यूक्लियोइड बॉडी जो नई बर्ड है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, और ट्रांसफर होते ही एक से कितने बन गए, दो बन जाते, दो डॉटर सेल बन जाती हैं। दिस इज कॉल्ड द बडिंग। थर्ड स्टेप है इसमें एंडोस्पोर। एंडोस्पोर, ये एंडोस्पोर थिक वॉल्ड स्पोर्स हैं, इसके थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। कैसे स्पोर है, थिक वॉल्ड, हाईली डिहाइड्रेटेड, हाईली डिहाइड्रेटेड एंड रेजिस्टेंट स्पोर्स, ठीक है, जो बेसिलस, जो कि बेसिलस फॉर्म और कोकस फॉर्म के अंदर डेवलप होते हैं। बेसिलस कौन से बैक्टीरिया थे, रोड से, पर कोकस कैसे बैक्टीरिया थे, राउंडेड। तो जो एंडोस्पोर है वो थिक वॉल्ड होते हैं, हाईली डिहाइड्रेटेड स्पोर्स है जिनमें वाटर सबसे कम होता है, रेजिस्टेंट स्पोर्स है, और बेसिलस और कोकस फॉर्म्स के कोकस फॉर्म के अंदर फॉर्मेशन होती है। ये जो एंडोस्पोर है कब बनते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। कौन सी कंडीशन आती है, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, जितना हमें टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, जितना हमें क्या कहते हैं इस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए हमें जितना मॉइस्चर चाहिए वो मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा है। तो जो ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन है ये कब होती है, जब बैक्टीरिया के पास अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अब ये एंडोस्पोर मतलब एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करते हैं। कैसे सरवाइव करते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंडोस्पोर का, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंडोस्पोर। ये जो एंडोस्पोर है ये मल्टी लेयर्ड है, इस प्रकार से इसमें लेयर्स बन रही है। ये क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल। आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज एक्सोस्पोरियम। कौन सी लेयर है, एक्सोस्पोरियम है, जो कि लिपोप्रोटीन कवरिंग है, जो कि लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट लेयर है दैट इज स्पोर कोट। कौन सी लेयर है, स्पोर कोट, जो एक्चुअल में आउटर कोट होती है दैट इज स्पोर कोट, और किसकी बनी हुई होती है, कैरेटीन की। कैरेटीन एक प्रोटीन होता है, उसकी बनी हुई होती है। दूसरा ये क्या कहता है कि जो नेक्स्ट लेयर आती है वो लेयर कौन सी है, कोर वॉल, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है और किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन। अब स्पोर कोट और कोर जो वॉल है इसके बीच का जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या नाम दे देते हैं, कॉर्टेक्स। क्या नाम देते हैं, कॉर्टेक्स नाम देते हैं। जो मिडल वॉल होती है उसको इनर, जो मिडल वॉल है वो कॉर्टेक्स। और ये किसका बना हुआ होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। किसका बना हुआ होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। दूसरा जेनेटिक मटेरियल वही हो जाएगा डीएनए, और यहाँ इसके अंदर साइटोप्लाज्म है जिसमें वाटर कंटेंट सबसे कम होता है, इसलिए इसको डिहाइड्रेटिंग बोला जाता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट जो उसको जमने से रोकता है, कोगुलेट होने से रोकता है, और वो है डाइपिकॉलिक
एसिड, कौन सा है? डाइपिकोनिक एसिड। अब इस एंडोस्पर्म ऐसी क्या बात है जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सरवाइव करता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को और -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी कुछ घंटे अपने आप को सरवाइव रख सकता है। पहला कारण क्या? वाटर कंटेंट सबसे कम। दूसरा, इस साइटोप्लाज्म एंटी कोगुलेंट प्रेजेंटेड दैट इज डाइपिकोनिक एसिड। इसकी मेम्ब्रेन कैसी है? ठीक, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। जो मेटाबॉलिज्म है, जितनी भी रिएक्शन हो रही है, वो मेटाबॉलिज्म का रेट क्या है? बहुत ही कम होता है। तो इस वजह से ये एंडोस्पोर एडवर्स कंडीशन में भी क्या कर पाता है? सर्वाइव कर पाता है। तो ये क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एंडोस्पोर से भी हो रहा है, जो आपके क्या कहते हैं बाइनरी फिजन से भी हो रहा है, और यही आपके बडिंग से भी हो रहा है। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एब्सेंट होता है और इसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है? जीन रिकॉम्बिनेशन। क्या प्रेजेंट होता है? जीन रिकॉम्बिनेशन। ये तीन प्रकार का है, कंजुगेशन। कौन कौन से टाइप है? कंजुगेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा है ट्रांसडक्शन। समझ में आया? कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और कौन सा हो जाता है? ट्रांसडक्शन। कंजुगेशन को किसने डिस्कवर किया था? लेडरबर्ग एंड टैटम। लेडरबर्ग और टैटम ने किसके अंदर डिस्कवर किया था? ई कोलाई में। किसमें डिस्कवर किया था? ई कोलाई। ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था? ग्रिफ्थ ने। और किसके अंदर डिस्कवर किया था? निमोनोकोकस बैक्टीरिया में। जबकि जो ट्रांसडक्शन है वो किसने डिस्कवर किया था? लेडरबर्ग, लेडरबर्ग एंड जिंडर, लेडरबर्ग एंड जिंडर। और किस बैक्टीरिया में डिस्कवर किया था? साल्मोनेला टाइफी मुरियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। कंजुगेशन किसने डिस्कवर किया? लेडरबर्ग और टैटम ने। किस में डिस्कवर किया? ईकोलाई में। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफ्थ ने। कौन से बैक्टीरिया में डिस्कवर किया? निमोनोकोकस। और ट्रांसडक्शन किसने डिस्कवर किया? लेडरबर्ग और जिंडर। और किस में डिस्कवर किया? साल्मोनेला टाइफी मुरियम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक जीन दूसरे जीन की नेचर को चेंज कर देते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैक्टीरिया बाय पिकिंग अप जीन्स ऑफ इट्स डेड रिलेटिव प्रेजेंट इन आउटसाइड मीडियम। अगर हम डेड रिलेटिव बैक्टीरिया से कोई दूसरा बैक्टीरिया जीन लेकर उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे करा? ग्रिफ्थ ने एक दो फॉर्म ली। कौन कौन सी फॉर्म ली? आर फॉर्म। कौन सी फॉर्म ली? आर फॉर्म ली, जिसको इसने नाम दे दिया रफ फॉर्म। कौन सी फॉर्म ले ली? आर फॉर्म, या आर स्ट्रेन लिया, फॉर्म की जगह देख ली स्ट्रेन, और रफ मतलब रफ इसको स्ट्रेन नाम दिया। क्या नाम दिया? रफ स्ट्रेन। दूसरा लिया इसने एस स्ट्रेन, और इसको क्या नाम दिया? स्मूथ। ठीक है, स्मूथ। और ये स्ट्रेन किसके लिए? इसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उस बैक्टीरिया में से लिए जीन जो निमोनिया कॉज करता है, डिप्लोकोकस निमोनी। तो बैक्टीरिया में है टू स्ट्रेन, कौन कौन से? एक रफ स्ट्रेन और एक स्मूथ स्ट्रेन। जो स्मूथ स्ट्रेन है डेट इज वायरुलेंट। कैसा स्ट्रेन है? वायरुलेंट। और जो रफ है ये कैसा है? नॉन वायरुलेंट। ये कैसा है? नॉन वायरुलेंट। तो जो एस है वो कैसा है? स्मूथ वायरुलेंट। और जो रफ है वो कैसा है? नॉन वायरुलेंट। मतलब
एस स्ट्रेन क्या कॉज करती है? डिजीज। आर स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं करती, नॉन वायरुलेंट का मतलब है डिजीज कॉज नहीं करती। इसने क्या करा, जो वायरुलेंट फॉर्म है, वायरुलेंट जो फॉर्म है, वायरुलेंट फॉर्म कौन सी है? एस स्ट्रेन। इसको इंजेक्शन के थ्रू एक माइस के अंदर ट्रांसफर करा, इंजेक्शन देकर एक माइस में ट्रांसफर कर दिया, तो ये माइस डाइड हो गया, मर गया, मरना ही था क्योंकि ये क्या कॉज करती है? डिजीज। इसने दूसरी स्ट्रेन ली, नॉन वायरुलेंट, कौन सी ले ली? नॉन वायरुलेंट। और नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन ले इसने फिर से माइस में इंजेक्ट करी और वो माइस सरवाइव कर गया, करना ही था क्योंकि नॉन वायरुलेंट नॉन डिजीज कॉजिंग है, डिजीज कॉज नहीं करती। फिर इसने क्या करा, जो ये स्ट्रेन है एस, इसको हीट करके डाला, हीट किल, हीट करने से इसके बैक्टीरिया क्या हो जाता है? मर जाता है। तो इसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, तो जो माइस था वो क्या हो गया? सरवाइव कर गया। क्या कर गया? सरवाइव। फोर्थ केस में इसने क्या करा, हीट किल्ड प्लस नॉन वायरुलेंट, मतलब कौन सी फॉर्म ले ली? आर। दोनों का मिक्सचर डाला तो माइस क्या हो गया? डाइड हो गया। क्या हो गया? डाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक बैक्टीरियम ने दूसरे बैक्टीरियम के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, और ये किस वजह से हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टाइप। जो आर टाइप बैक्टीरिया थे वो किस में ट्रांसफर हो गए? एस टाइप में ट्रांसफर हो गए, फ्रॉम डेड बैक्टीरिया। जो डेड बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या करा, इस आर को किस में कन्वर्ट कर दिया? एस में। तो ऑब्वियसली बात थी, यहाँ पर हमने हीट किल्ड क्या लिया? एस। और क्या लिया? आर। तो इस आर, इस एस ने, डेड बैक्टीरियम जीन ने आर को किस में कन्वर्ट कर दिया? हीट में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी, इसमें वायरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उसने क्या कॉज करी? डिजीज। और उस माइस क्या हो गया था? डाइड हो गया था। तो ये क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक बैक्टीरियम के जीन क्या हो जाएंगे? ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट फॉर्म को भी किस में कन्वर्ट कर दिया? इन्होंने वायरुलेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइप है ट्रांसडक्शन। क्या टाइप है? ट्रांसडक्शन। ठीक है, यहां पर जीन हम एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में लेके जाएंगे थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस। किस एजेंसी की वजह से लेकर जाएंगे? वायरस एजेंसी की वजह से एक बैक्टीरियम के जीन हम दूसरे बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर करते हैं। किसने डिस्कवर किया था? जिंडर और लेडरबर्ग ने। और किस बैक्टीरिया में? साल्मोनेला टाइफीमुरियम। जो ये वो बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है? टाइफाइड कॉज करता है। ट्रांसडक्शन के अंदर वायरस पिकअप वन और मोर बैक्टीरियल जीन, वो क्या करता है? एक से ज्यादा बैक्टीरियल जीन को पिकअप करता है, और क्या करता है? उन जीन्स को दूसरी, जो होस्ट है, जो दूसरा बैक्टीरियम है, वहां पर क्या कर देता है? पास कर देता है, जिस वजह से उस बैक्टीरिया में भी पहले वाले, दूसरे बैक्टीरिया में पहले वाले बैक्टीरिया के जीन ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस है कंजुगेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? कंजुगेशन का नाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है? दो बैक्टीरियम सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, मतलब कंजुगेशन इज ए कमिंग टूगेदर ऑफ टू सेल्स और गैमेट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा बाय सेल टू सेल कॉन्टेक्ट। अब वो दो सेल कौन सी हैं? एक होगा मेल और एक क्या होगी? फीमेल। जो मेल होता है उसे हम नाम देते हैं डोनर, और जो फीमेल होती है उसे हम नाम देते हैं रिसेप्टेंट। क्या नाम दे देंगे? रिसेप्टेंट। समझ में आया? मेल हमेशा डोनर होगा, फीमेल हमेशा रिसेप्टेंट होगी। सपोज करो ये मेल सेल है और ये कौन सी है? फीमेल। जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इनके बीच में कंजुगेशन ब्रिज बन जाएगा, और इसका जेनेटिक मटेरियल किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? फीमेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब याद करो, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो प्लाज्मिड्स बताया था,
इस प्लाज्मिड्स में एक एफ प्लाज्मिड्स था जिसे फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स कहा गया था, एक मैंने आपको सेक्स पिल्ले ही बताई थी जो क्या करती है, कंजुगेशन ब्रिज बनाने में हेल्प। अब ये एफ प्लाज्मिड्स जो फर्टिलिटी में हेल्प करेगा और ये सेक्स पिल्ले, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ किसके पास होंगी, मेल के पास। किसके पास होती है, मेल के पास होती है। तो जो सिर्फ मेल है वही एफ पॉजिटिव बोला जाएगा और उसी के पास क्या प्रेजेंट होंगी, सेक्स पिल्ले प्रेजेंट होंगी। अब क्या होगा, जब दो सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो जो डोनर सेल है वो प्रोटीन सिक्रीट करेगा सेक्स पिलर्स की टिप से, जैसे कि ये आपकी मेल सेल और इस पे ये क्या है, सेक्स पिलर्स। तो इसके टिप से प्रोटीन सिक्रीट होगा और ये प्रोटीन जब सिक्रीट होगा तो ये क्या करेगा, फीमेल की जो सेल वॉल है उसको उसी जगह से रप्चर कर देगा जिस एरिया में प्रोटीन सिक्रीशन हुआ है। और जैसे ही ये रप्चर होती हैं, इन दोनों के बीच में एक कॉन्टेक्ट ब्रिज बन जाएगा और उस ब्रिज को हम क्या नाम दे देंगे, कंजुगेशन ब्रिज। क्या नाम दे देंगे, कंजुगेशन ब्रिज का नाम दे देंगे। इतना क्लियर हुआ। अब ये क्या कहता है, जो फर्टिलिटी फैक्टर है या जो प्लाज्मिड से डोनर का, वो रेप्लिकेट होगा और अपनी एक कॉपी उस प्लाज्मिड की एफ फर्टिलिटी फैक्टर की किसमें ट्रांसफर कर देगा, फीमेल में थ्रू कंजुगेशन ब्रिज। अब इस एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड्स का रिसेप्टेंस सेल इनटू रिसेप्टेंस सेल्स में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और जैसे ही पैसेज ऑफ एफ प्लाज्मिड्स इनटू रिसेप्टेंस सेल्स होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डोनर सेल में। क्योंकि इसमें भी तो क्या आ गया है, प्लाज्मिड्स आ गया, एफ पॉजिटिव, पहले इसमें एफ पॉजिटिव फैक्टर नहीं था, जैसे इसमें ट्रांसफर करा तो ये सेल भी क्या बोली जाएगी, डोनर सेल। और इस फिनोमिना को हम नाम देंगे सेक्स डक्शन। क्या नाम दे देंगे, सेक्स डक्शन का नाम देते होते हैं। दूसरे ये क्या करता है, कुछ ही समय के लिए कंजुगेशन पीरियड परफॉर्म किया जाता है, जैसे ही डोनर अपना जो एफ फर्टिलिटी है वो रिसेप्टेंस में ट्रांसफर कर देता है, तो जो पार्ट उसने ट्रांसफर किया है अपने न्यूक्लियोइड का, उसे हम नाम देंगे एक्सोजिनोट। क्या नाम दे देंगे, एक्सोजिनोट। और जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, एक बैक्टीरियम सेल से दूसरे बैक्टीरियम सेल में ट्रांसफर बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, दिस इज कॉल्ड द कंजुगेशन। क्या नाम दिया जाएगा इस प्रोसेस को, कंजुगेशन का नाम दिया जाएगा। इतना आया समझ में। तो बैक्टीरिया में जीन रिकॉम्बिनेशन तीन प्रकार से है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा कौन सा हो जाएगा, ट्रांसडक्शन। एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं, डेट इज माइकोप्लाज्मा, जिसे हम MLO भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरा इसे हम PPLO भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या नाम दे देंगे, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये पैरासिटिक फॉर्म है प्लांट, मतलब ये सिर्फ प्लांट में डिजीज कॉज करती है और ये सिर्फ किस में डिजीज कॉज करेगी, एनिमल्स में। इसका एक नाम और है मॉलिक्यूट्स। क्या नाम है, मॉलिक्यूट्स, जो कि किसने दिया था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमन क्लचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियम नॉमन क्लचर। ये जो माइकोप्लाज्मा है इसकी सबसे छोटी सेल होती है 0.1 से लेकर 0.15 माइक्रोमीटर। ये माइकोप्लाज्मा जनरली ग्राम नेगेटिव होते हैं बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया है, ये नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव। माइकोप्लाज्मा किसने डिस्कवर किया था, रॉक्स एंड नोकार्ड ने। किसने डिस्कवर किया था, नॉक्स और नोकार्ड ने इसको डिस्कवर्ड किया था। इसकी फॉर्म राउंडेड भी हो सकती है, हेलिकल भी हो सकती है। जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर नहीं होता, दोनों एंड क्या है, फ्रीक्वाइल है लेकिन सर्कुलर फॉर्म में नहीं है। और इसके एंड पे दोनों पे क्या प्रेजेंट होती है, रेप्लिकेटिंग डिस्क। क्या प्रेजेंट होती है,
रेप्लिकेटिंग डिस्क प्रेजेंट होती है। दूसरा ये क्या कहते हैं, ये बैक्टीरिया सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब्सेंट होता है, सेल विदाउट सेल वॉल होती है। दूसरा ये क्या कहता है, मीजोसोम अब्सेंट होते हैं और इनके जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए उस पर रेप्लिकेटिंग डिस्क प्रेजेंट होती है। ये जो बैक्टीरिया है जनरली डिजीज कॉज करते हैं, विच इज ब्रूम किसमें, प्लांट्स में, और प्लूरोनिमोनिया किसमें कॉज करते हैं, एनिमल्स में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है ये बैक्टीरिया की सबसे छोटी सेल्स है, एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, सेल वॉल अब्सेंट होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब्सेंट होता है, डीएनए का सर्कुलर नहीं होता, कॉइल्ड है, डीएनए के एंड पे रेप्लिकेटिंग डिस्क प्रेजेंट होती है। दूसरा ये क्या कहता होता है कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कौन सा है, फीजन। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, फीजन रिप्रोडक्शन है। विच इज ब्रूम डिजीज कॉज करते हैं प्लांट में, और प्लूरोनिमोनिया डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आर्की बैक्टीरिया। कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, आर्की बैक्टीरिया। सबसे एंशियंट बैक्टीरिया माने जाते हैं, सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया माने जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, आर्की बैक्टीरिया को कवर करेंगे। थैंक यू।